जिले में किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक गेहूं के भाव मंडी में मिल रहे हैं। इस कारण मंडी में बंपर आवक हो रही है। कृषि उपज मंडी में हर में तरफ गेहूं के ढेर और बोरों की थप्पी लगी हुई है। आलम यह है कि परिसर में अब जगह नहीं बची है। करीब 3.40 लाख क्विंटल गेहूं परिसर खुले में रखा है। ऊपर से बादल छाने से व्यापारियों में घबराहट है। इस कारण व्यापारी जल्दी जल्दी खुले में रखा गेहूं समेटने की जुगत में है। इसी वजह से गेहूं के ढेर को व्यापारी जेसीबी की मदद से डंपर में भरकर गोदाम तक पहुंचा रहे हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं के दाम 2015 रुपए क्विंटल है। मंडी में 2050 से 2150 रुपए क्विंटल तक गेहूं बिक रहा है। एक तो समर्थन से अधिक दाम, दूसरा 1 लाख रुपए तक नकद भुगतान। इन दोनों वजह से किसान मंडी में गेहूं बेच रहे हैं। इस मामले में मंडी सचिव संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि हम मालों की तुलना में कई ज्यादा गेहूं विक्रय हेतु आ रहा है, जिससे बोरियों में गेहूं भरकर गोडाउन तक नहीं पहुंच पा रहा है। रोजाना लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं विक्रय हेतु आ रहा है। गेहूं अधिक आने के कारण हम माल कम पड़ गए, इसलिए -2 व्यापारी द्वारा जेसीबी और डंपर से गेहूं अपने गोडाउन तक पहुंचाया जा रहा है। वही व्यापारी द्वारा इस मामले में कुछ भी कहने से मना कर दिया गया है और अब जेसीबी व डंपर से परिवहन बंद कर दिया गया है। अभी मंडी में बहुत लगातार गेहूं आ रहा है और निर्यात भी हो रहा है। इतनी ज़्यादा आवक हो रही है कि रैक की अनुपलब्धता और हमालों की भी जो संख्या है उसकी तुलना में कई गुना ज़्यादा गेहूं आ रहा है। तो ऐसे में कल जब मौसम ख़राब हुआ, परसों से मौसम ख़राब हो रहा है और बोरियों में गेहूं नहीं भर के डिस्पैच हो पाया, तो 1-2 व्यापारी हैं उनके द्वारा जेसीबी से उसको डंपर में लोड करके और अपने जो स्टोरेज पॉइंट है वहाँ पर उसको भेजा गया। सर लगभग कितना माल आ रहा है अकॉर्डिंग हिसाब से कुछ आइडिया? लगभग 20,000 क्विंटल से तो ऊपर आ रहा है उसका गेहूँ। कल 32,000 आया था, औसतन 20-25 हज़ार के आसपास, 20 से 25 के बीच में गेहूँ आ रहा है।